अब आइए हम बात करते हैं आज के 12 राशियों के बारे में कि 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भागोदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन लेखक बनेगा, कौन विदेश जाएगा और किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी और कौन से अंक के प्रयोग करने से आपको उन्नति होगी, सारी बातें बताएंगे। सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है, आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आज आपको वाहन सुख प्राप्त होगा, घर बनवाएंगे, गृह निर्माण का प्रबल योग बन रहा है, चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आपकी यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है, दूर देश की यात्रा हो सकती है, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, समस्याओं का समाधान होगा और नए तरह के कार्य करेंगे, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, जो भी कार्य पाइपलाइन में संपन्न होगा, विदेश जाने का योग बन रहा है, आयात निर्यात से धन मिलेगा, मन स्थिति आपकी अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी को सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, उपाय क्या करना, हनुमान जी की आराधना करें, ओम घृढ़ी सूर्यान्वेष मंत्र का नियमित 3 माला जप करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 9, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आपको आय से ज्यादा व्यय का योग बन रहा है, अकारण चिंता रहेगी, मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी, पराक्रम से धन लाभ होगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है, कोई भी नए प्रकार के कार्य करने की प्लानिंग करें तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए, किसी बड़े उच्च अधिकारी से या महिला मित्र से आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी, भूमि भवन खरीद सकते हैं, घर में नया मेहमान आ सकता है, बच्चों के प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा, यदि आप फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं तो आज उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। पत्रकारों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, आज आपके नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर कार्य करें, उपाय क्या करना, सफेद वस्त्र का दान करें, असहाय को भोजन करावें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 7 शुभ रंग है डार्क नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा है, अपने वाणी पर नियंत्रण करें, बहुत कटु और सत्य न बोलें, रोग और शत्रु परास्त होंगे, समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, शेयर और ट्रेडिंग से धन लाभ मिलेगा, आयात निर्यात कर सकते हैं, भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समाप्त होगा, पिता के सहयोग से बड़ा कार्य करेंगे, पत्नी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, पत्नी को मेंटल मॉरल इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, बच्चे आज अच्छा करेंगे, घर में बहुत सारे शुभ कार्य मांगलिक कार्य हो सकता है, उससे मन आपका प्रसन्न रहेगा, परेशानियां दूर होंगी, सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, गाड़ी घर खरीद सकते हैं, नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा। और सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें, उपाय क्या करना, हरा चारा मटर गाय को खिलावें, अपनी बहन को कोई भी वस्त्र गिफ्ट करें और या पन्ना स्टोन गिफ्ट करें अपनी बहन को, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 शुभ रंग लाइट हरा, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपकी विद्या में बढ़ोतरी होगी, अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, धनागम होने की संभावना बन रही है, रोजी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, रोग और शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, परेशानियां दूर होंगी, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समाप्त होगा, उच्चस्थ अधिकारी के सहयोग से कुछ बड़ा कार्य हो सकता है, जहां आप नौकरी करते हैं वहां वाद विवाद हो सकता है, महिला मित्र का असहयोग प्राप्त होगा और कई ऐसे दिक्कतों में आ सकते हैं जो कभी सोचे न हो, लेकिन सारी परेशानियां दोपहर के बाद सॉल्व हो जाएगा, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर अपनी परेशानियों से निकल जाएंगे, आध्यात्मिक शक्ति आपकी मदद करेगी, अतिंद्रिय ज्ञान की बात माने और अपने आत्मविश्वास आत्मबल को कभी डगमगावे ना। सावधानी क्या बरतने, न तो किसी को तनाव दें न तो तनाव लें, उपाय क्या करना, किसी गरीब असहाय को दूध पिलावें, वस्त्र दान करें। शुभ अंक 4 शुभ रंग ऑफ वाइट, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपके आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य से लाभ होगा, आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, आय के स्रोत में वृद्धि होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, जहां आप काम करते हो वहां विवाद हो सकता है, आपके दुश्मन और रोग और शत्रु परास्त होंगे, प्रॉपर्टी को लेकर के कई विवाद समाप्त होंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, पुराने मित्र मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे, लेखन का कार्य करेंगे और नए तरह के कार्य हो सकता है, आज आपकी अवसर आपके दरवाजे पर आएगा, अवसर को अवेल करिए, आलस्य का परित्याग करिए, कोई चीज कल पर न टालें, सावधानी क्या बरतें, मध्यम मार्ग अपनावें, उपाय क्या करना, दाल भरी पूड़ी गौशाला में दान करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग लाल, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी,
विद्या और बुद्धि से धन लाभ अर्जित करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार में शुभ कार्य होगा। यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उच्च पद प्राप्ति का योग बनना। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। धन के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। शेयर ट्रेडिंग से धन लाभ मिलेगा। माली हालत अच्छी होगी और हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। बच्चों की प्रगति हो सकती है। तेज गति की गाड़ी न चलावें। आज आपके रोग और शत्रु औधे मोगी रहेंगे। सावधानी के अवरत ने अपनी योजनाएं गुप्त रखें। उपाय क्या करना? हरा चारा दान करें। गौशाला में मटर गाय को खिलावें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है हल्का आसमानी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सुख के संसाधनों बढ़ोतरी होगी। घर बनाने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा हो तो आपको विजयश्री मिलेगी। माली हालत सुधार होगा। माली हालत में तनाव समाप्त होगा। परेशानियां दूर होंगी। आपके पुराने मित्र मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। एकांत में चिंतन करने का समय है। आपके अंदर जो निगेटिविटी उसको दूर करें, जो पॉजिटिविटी उसको बढ़ावें। छोटी छोटी बात को लेकर परेशान ना, बहुत इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। कई बार लोग इसका फायदा उठाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठिए। आध्यात्मिक विकास होगा। किसी आध्यात्मिक गुरु के मिलने से आप में चतुर्दिक विकास होगा। नई दिशा मिलेगी। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। पत्नी का सुख मिलेगा। बच्चों के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? आय व्यय पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना? मोती है सफ़ेद वस्त्र का दान करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपके इनकम का जरिया बढ़ेगा। दूर देश की यात्रा होगी। क्रोध पर नियंत्रण करें। क्रोध में अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेते हैं। दिल के बजाय दिमाग की बात सुने। इमोशनल होकर के जो भी निर्णय लेते हैं गलत होता है, ऐसा न करें। घर बनाने का योग बन रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान से मन प्रसन्न रहेगा। पत्नी की बात सुने। पत्नी के दूसरों की बहकाव में ना आवें। कई बार पत्नी को इग्नोर करते हैं, जिससे आपके घर में दिक्कतें आती हैं। तो अपने पत्नी का मेंटल मॉरल इमोशनल सपोर्ट करें। छोटी छोटी बात को लेकर परेशान ना हो। हेल्थ को लेकर के आपकी परेशानियां दूर होंगी। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समाप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त होते हुए दिख रहा है। राजनीतिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? लेन देन करने से बचें। उपाय क्या करना? श्री हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी को चोला अर्पित करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको विभिन्न प्रकार के स्रोत से आय का साधन प्राप्त होगा। चोट चपेट लग सकती है तो उसे बचें। विवादों के बजाय मध्यम मार्ग अपनावें। रुका हुआ धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आज आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। माता के सहयोग से बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे। माता जी की बातों को इग्नोर न करें। जो कहें उनकी बात को ध्यान रखें और माता पिता के दिशा निर्देश में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आध्यात्मिक विकास होगा। मंदिर का निर्माण करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होगा। विदेश जा सकते हैं। आज आपको सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त होते हुए दिख रहा है। शिक्षा में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त हो सकता है। आज आपका स्थानांतरण हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी? मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। विवादों से बचें। उपाय क्या करना? पीला वस्त्र दान करें। गाय को चने भरी पूड़ी खिलावें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है बैगनी, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। बहुत सारे लाभ मिलेगा। आलस्य में अपना समय बर्बाद न करें। कंट्रोवर्सी में न पड़े। विवादों से बचें। भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा है। संततियों का सुख मिलेगा। यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ होगा। आज आपकी परेशानियां दूर होंगी। कंस्ट्रक्शन से लाभ होगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी माइन से पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए मल्टीप्लाई करके लाभ मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग में पूंजी निवेश कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कई तरह की योजनाओं से लाभ मिलेगा। नई नौकरी मिल सकती है। सरकार से लाभ मिलेगा। राजनीतिज्ञों से लाभ मिलेगा। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। आपके जो पुराने मित्र उनके मिलने से मन खुश रहेगा। सावधानी क्या बरतनी? मुकदमे त्याग से बचे। उपाय क्या करना? काला तिल दान करें। समय के पत्ते को समर्पित करें। ओम संग सनश्रान इस मंत्र का 24 बार जप करें। आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी परेशानियां दूर होंगी। सरकार से लाभ मिलेगा। सत्ता से लाभ मिलेगा। आत्मबल में बढ़ोतरी होगी और नए नौकरी का योग बन रहा है। नेत्र से पीड़ा होने की संभावना बन रही है और इमोशनल होकर कोई निर्णय न लें। बच्चों की ध्यान रखें। बच्चों के प्रति कंसर्न रखें। उनकी आलोचना न करें। उनको बुस्टअप करें। और छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत गुस्से में आते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी
को लेकर के विवाद हो सकती है, और दिल के बजाय दिमाग की बात सुने, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान ना हो, जितना पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, भाग्य अनुकूल है, तो लक्ष्य बना करके अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, साझेदारी में व्यापार करने से बचें। उपाय क्या करना है, किसी काली गाय को हरा चारा खिलावें, आप सम्मी का पत्ता शनिदेव को अर्पित करें, सरसों का तेल दान करें, ओम संघ सनश्रायन इस मंत्र का जप करें, शुभ अंक है 8, शुभ रंग से ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे कार्य आपको कार्यों से लाभ मिलेगा, यात्रा से लाभ होगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, संतान सुख का योग बन रहा है, नौकरी में पदोन्नत का योग बन रहा है, माली हालत अच्छी होगी, पत्नी को लेकर के स्वास्थ्य की चिंता समाप्त होगी, किसी महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, उच्च पदाधिकारी का सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, निर्माण कार्य कराएंगे, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी, कोई आध्यात्मिक गुरु के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा, जो आज आपके दिग्भ्रमित हैं, जो दिशा भ्रम है वो भ्रम दूर होगा, माता पिता का सुख मिलेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, मंदिर इत्यादि का निर्माण करा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, आज आपको नई नौकरी मिल सकती है, विदेश जा सकते हैं, उसका पूरा पूरा योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान ना हो। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र किसी सुहागन महिला को दान करें, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्णा।